नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, सानवी स्टेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। सर, आज आप लोग के लिए जो मैं फ्लैट लेके आया हूँ, ब्यूटीफुल फ्लैट, ब्यूटीफुल लोकेशन पे, ब्यूटीफुल कनेक्टिविटी के साथ और ब्यूटीफुल प्राइस में, सिर्फ 36 लाख रुपीज में, 36 लाख रुपये में ये आपको 85 गज का फ्लैट मिलता है, जो तकरीबन 765 स्क्वायर फीट होता है। फ्रंट के फ्लैट हैं ये, सामने 30 फीट की रोड है और सुपर्ब कनेक्टिविटी। घर से बाहर निकलते हैं आपको ई रिक्शा, ऑटो, कैब, सारी चीज़ें मिलती है। और अगर मैं लोकेशन की बात करूंगा तो ये हमारा मोहन गार्डन, द्वारका मोड़, दिल्ली में आता है। और अगर मैं मेट्रो स्टेशन की बात करूं, जो द्वारका मोड़ का मेट्रो स्टेशन है, वो तकरीबन आधी किलोमीटर की दूरी पर मिलता है। और आधी किलोमीटर की दूरी पर ही जो द्वारका है वो आपका स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। और एयरपोर्ट तक पहुंचने में, अपने घर से एयरपोर्ट तक जाने में जो आपको दूरी तय करनी पड़ेगी वो तकरीबन 11 किलोमीटर की होगी। तो बहुत ही अच्छा फ्लैट, हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपको फ्लैट के अंदर जो भी चीज़ हैं, वो चाहे बेडरूम है या बाथरूम है या किचन है, मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत ही शानदार होने वाला है फ्लैट। तो चलिए, हम आपको हमेशा की तरह लिए चलते हैं अपने फ्लैट के टूर पर और फिर हम आपको बारी बारी से अपने अंदर का फ्लैट दिखाएँगे। आइए, ये हमारी बिल्डिंग की सामने की रोड 30 फीट का जो भी आपको दिख रही है। एलिवेशन आप देख रहे हैं, सामने की गेट है और ऊपर मैं आपको एलिवेशन दिखाता हूँ। ये पूरी एलिवेशन है। अभी हम ऊपर बैल्कनी में चल के भी हम आपको दिखाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ अपना पार्किंग एरिया। ये पूरा अपना पार्किंग का एरिया है। इसमें अगर कोई गैदरिंग करना चाहे छोटा मोटा, तो वो भी आप कर सकते हैं। ऊपर में देख रहे होंगे, पूरे में लाइट्स लगी हुई है। और यहाँ स्टेयर्स दिया गया है, यहाँ आपको स्टेयर्स मिलते हैं। और हम आपको ले चलेंगे फ्लैट दिखाने अपने लिफ्ट से। आइए, यहाँ लिफ्ट है हमारा। और वो एक बार ऊपर दिखाएं आप, लिफ्ट पे भी आप जब खड़े हैं तो एक पॉजिटिव वाइब्स आएगी। यहाँ भी फॉल सीलिंग की एक छोटी सी डिज़ाइन दे दी गई है। थोड़ा पीछे से दिखाएं, पूरा आ रहा है इस तरह का, पूरा आपको यहाँ पे डिज़ाइन मिल जाता है। चलिए, मैं आपको ले चलता हूँ अपने लिफ्ट से अपने फ्लैट की तरफ। आइए, चलिए, मैं आपको ले आया हूँ लिफ्ट से अपने फ्लैट की तरफ। एक फ्लोर पे दो फ्लैट बने हुए हैं। यहाँ हमने 1 BHK बनाया है और जो फ्लैट मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो हमारा 3 BHK है। अगर मैं 1 BHK की भी बात करूँगा तो इसमें जो 1 BHK बनाया गया है वो 55 गज में बनाया गया है। 55 गज का 1 BHK है और जो 3 BHK हम लोग दिखा रहे हैं वो 85 स्क्वायर यार्ड का 85 गज का फ्लैट है। जैसे ही हमने अपने फ्लैट में एंट्री ली, जैसा मैंने बताया, ब्यूटीफुल फ्लैट आप देख रहे हैं होंगे, जो वॉलपेपर बहुत बढ़िया लगाया गया है। और सारा चीज़ डिस्क्राइब करने से पहले मैं अपने फ्लैट का ओवरव्यू आपको देना चाहूँगा। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये हमारा ड्राइंग रूम है, इसी के साथ यहाँ हमने कॉमन वॉशरूम दिया है। और उसके बाद एक बार इस तरफ आए, यहाँ हमारा एक बेडरूम मिल जाता है। और एक बेडरूम मैंने यहाँ पे दिया है और एक आपको जो मास्टर बेडरूम है वो यहाँ मिलता है, उसके साथ बैल्कनी मिलती है। और सामने आपका किचन है, कंप्लीट वेंटिलेटेड। तो चलिए, हम शुरू करते हैं अपने लिविंग रूम से। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ जो हमारी फ्लोरिंग है, विट्रीफाइड टाइल्स इसमें लगाई गई है, डिजिटल टाइल्स है जो स्क्रैचलेस है। उसके बाद अगर मैं वॉलपेपर की बात करूं तो इंट्रोडक्शन में आपने देख ही लिया होगा, बहुत ही खूबसूरत और 3D लुक में जो वॉलपेपर लगाए गए हैं दोनों वॉल पे, बहुत ही बढ़िया लुक दे रहा है, बहुत अच्छा लुक। यहाँ आपको स्प्लिट एसी का ऑप्शन मिल जाता है। और अगर मैं फॉल सीलिंग की डिज़ाइन अगर आपको दिखाऊँ तो सुपर्ब। इस
प्राइस में इस तरह का प्रीमियम लुक का जो फ्लैट है बहुत आपको कम देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ हमने, आप देखिए कितना बड़ा टीवी पैनल बनाया गया है, चाहे जितना भी बड़ा आप एलईडी यूज़ करते होंगे बहुत अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे मिलता है। दोनों तरफ दो बॉक्सेस बनाए गए हैं, यहाँ आप कुछ डेकोरेटेड आइटम रख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे जब आपकी एलईडी लगी हुई है तो बहुत खूबसूरत लुक आपको आपके इस लिविंग रूम को मिलेगा। इधर भी दो बॉक्स बनाए गए हैं, स्टोरेज के लिए आपको यहाँ स्पेस मिल जाता है, यहाँ भी आपको स्पेस मिलता है। और इसकी वेंटिलेशन की भी मैं बात करूँ तो यहाँ विंडो दी गई है, आप इसे भी ओपन कर सकते हैं तो फ्रेश एयर आपको मिलेगा। उसके बाद चूंकि हमारा ड्राइंग है, आपका जो सोफ़ा है वो एल टाइप में आ जाएगा, बीच में सेंटर टेबल आएगा, और उसके बाद इसी के साथ हमने यहाँ कॉमन वॉशरूम दिया है। और जो वॉशरूम में जो फ्लोरिंग की जाती है वो एंटी स्किड टाइल्स होती है, आप देखें ऊपर दिखाएं पूरा। और यहाँ टाइल्स भी जो लगाया गया है, आप टाइल्स लगा के बीच में जो पट्टी दी गई है वो गोल्डन गोल्डन कलर की जो पट्टी है वो दी गई है, जो आपके वॉशरूम को खूबसूरत बनाता है। एक बार क्लोज करिए आप, ये वाली चीज़ें हमने यहाँ पे दी है। इसमें भी हालांकि जितनी भी सैनिटरी फिटिंग है वो सारी अभी होनी है। गीजर के पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, और यहाँ वेंटिलेशन के लिए स्पेस दिया गया है, साफ का एरिया इस तरफ है। और ऊपर अगर आप देखें तो इसका इसमें भी फॉल सीलिंग दे दी गई है। और नीचे जो फ्लोरिंग की गई है हालांकि एंटी स्किड टाइल्स है और जो वुडन लुक में, यहां आपका वैनिटी दिया गया है, यहां स्पेस मिल जाता है, यहां जो आपका वॉश बेसिन है वो आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको ले आता हूं अपने फर्स्ट बेडरूम में, आइए। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है, अगेन इसमें जो फ्लोरिंग की गई है वो आपका जो डिजिटल टाइल्स है स्क्रेचलेस वो इसमें लगाई गई है, और जो वॉलपेपर है बहुत ही डिसेंट लुक में, जो फ्लावर का यहाँ पे डिज़ाइन बनाया गया है और बहुत ही खूबसूरत बहुत ही डिसेंट लुक देगा आपके इस बेडरूम को। और अगर मैं इस बेडरूम की डायमेंशन की बात करूँ तो 12x10 का इस बेडरूम का साइज आपको मिल जाता है। स्प्लिट एसी के लिए हमने यहाँ पे प्रोविजन दिया है, और यहाँ हमने वार्डरोब दिए हैं, इसमें भी आपको अच्छा खासा स्पेस मिलता है, सारे स्लॉट्स यहाँ पे मिल जाते हैं आपको। उसके बाद यहाँ भी अच्छा खासा स्पेस मिलता है। और इसकी अगर मैं वेंटिलेशन की बात करूँ तो यहाँ स्पेस दिया गया है, आप अपने हिसाब से इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। हालांकि ऐसी जो आपकी स्प्लिट एसी है उसका तो प्रोविज़न है ही। एक बार आप यहां से फॉल सीलिंग की डिज़ाइन दिखाएं, जो आपका जो ये बेडरूम है बहुत ही खूबसूरत, बार बार मैं उस वर्ड का यूज़ कर रहा हूं बिकॉज ये फ्लैट है ही इस प्राइस में बहुत खूबसूरत। चलिए मैं आपको लिए चलता हूं नेक्स्ट बेडरूम में। और नेक्स्ट बेडरूम में आने से पहले मैं ये बताऊं, ये हमारा जो पैसेज दिया गया है ये आप देखें, इसका साइज आपको अच्छा खासा दिख रहा होगा, काफी बड़ा साइज है। आप ऐसे भी मैं अगर करके दिखाऊं तो इसका साइज काफी अच्छा, और ऊपर ये पूरा पैसेज दिया गया है। और इस चूंकि ये पैसेज की तरह ना लगे, एक खूबसूरत लुक दे, उसके लिए ये पूरा जो ऊपर डिज़ाइन दिया गया है जो फॉल सीलिंग की, जिसमें कॉब लाइट्स और एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं, अब देखिए आपके आपके इस फ्लैट को कितना सुंदर लुक दे रहा है। चलिए मैं आपको ले आता हूँ अपने सेकेंड बेडरूम में। अगेन जो हमारा ये सेकेंड बेडरूम है, ये आपको 11x11 का ये आपको सेकेंड बेडरूम मिलता है। सबसे पहले वेंटिलेशन की बात कर लेते हैं, वेंटिलेशन के लिए यहाँ विंडो दी गई है, और अगर आप चाहें तो हालांकि ये जो साफ्ट है इसका जो साइज है काफ़ी बड़ा है, 1 टन का आप यहाँ एसी लगा सकते हैं। और मेरे पीछे जो आप वॉलपेपर देख रहे हैं अभी, आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है, यू कैन फील योर सेल्फ। मैं बार बार प्राइस का यहाँ पे जिक्र करूँगा कि
कि सिर्फ 36 लाख में, और ऊपर अगेन मैं फॉल्स सीलिंग की डिज़ाइन दिखाऊं, तो एक जो रिच लुक होता है वो चीज़ इसमें दी गई है। फ्रंट का फ्लैट है 85 स्क्वायर यार्ड का, सिर्फ 36 लाख रुपीज़ में। उसके बाद इसमें वार्डरोब भी दिया गया है, और वार्डरोब का डिज़ाइन आप दिखाएं, थोड़ा क्लोज करके भी दिखाएं, इसका डिज़ाइन एक अलग सा बनाया गया है। यहाँ आपको स्पेस मिल जाता है, यहाँ भी स्पेस आपको मिलते हैं, यहाँ छोटा सेल्फ भी बनाया गया है, उसके बाद यहाँ भी आपको स्पेस मिल जाता है। अगर मैं डोर के डिज़ाइन की भी एक बात करूँ, तो यहाँ इस तरह का आपको डोर का डिज़ाइन मिलता है। एक ऑप्शन मैं और दिखाता हूँ, हालांकि ये यहाँ पे जो हमने ऑप्शन दिया है उस तरफ अगर आप एसी यूज़ करते हैं और चाहते हैं कि एक ही बेडरूम से दोनों बेडरूम में कूलिंग हो जाए, तो ये भी ऑप्शन है। हालांकि अभी हमने इसको साउंड प्रूफ बनाया है, तो प्राइवेसी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। चलिए मैं ले आता हूँ जो कुकिंग का शौक रखते हैं उनके फेवरेट प्लेस पे, किचन में। आइए, किचन में जाने से पहले मैं सबसे पहले दिखाऊं, ये जो यहाँ स्विच आप देख रहे हैं, ये जो स्पेस आपको यहाँ पे दिया गया है वो फ्रिज का स्पेस दिया गया है। हालांकि इसमें इस तरफ हमने ये पूरा जो बॉक्स है स्टोरेज के लिए वो बना दिया है। हालांकि फ्रिज का अगर चाहें तो यहाँ पे जगह बनाया जा सकता था, लेकिन ये वुडन का काम हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा किया है, तो आपका जो फ्रिज है वो यहाँ आएगा, ये स्विच लगे हुए हैं। जैसे ही हम यहाँ हमने एंट्री ली, तो आपको ये पूरा स्टोरेज मिलता है। एक बार स्टोरेज अंदर से दिखाएं आप, काफ़ी अच्छा स्टोरेज, ये भी देखें आप, यहाँ भी देखें, अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जाता है, नीचे भी आपको स्पेस मिलते हैं। उसके बाद यहाँ इलेक्ट्रॉनिक चिमनी दी गई है, और चूंकि किचन वेंटिलेटेड रहे उसके लिए यहाँ विंडो भी दिया गया, आप ऊपर एग्जॉस्ट भी लगा सकते हैं। और कलर कॉम्बिनेशन आप देखिए, जो माइका है ग्रे कलर का और वाइट कलर का, बहुत ब्यूटीफुल लुक दे रहा है आपके इस किचन को। यहाँ स्पेस आपको मिल जा रहा है, हालांकि यहाँ टैप है वो लगनी है अभी, ठंडा पानी गर्म पानी जो हॉट और कोल्ड वाटर होता है उसके लिए। आप इसे क्लीन करके जो यूटेंसिल है आपका, आप ऊपर भी रख सकते हैं, या अपने हिसाब से आप इसे आरो या गीजर जिस तरह भी चाहें आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एक बार सिंक दिखाइए क्लोज करके, ये हमने यहाँ पे सिंक दिया है, और ये ट्रे भी हमने दिए हैं, अगर आप कुछ फ्रूट है या वेजिटेबल है उससे भी आप यहाँ क्लीन करके इस पे रख सकते हैं। और एक बार सिंक का जो डिज़ाइन है आप देखिए, स्क्वायर में दिया गया है। अगर मैं स्टोरेज की बात करूँ, तो यहाँ पे सारे स्टोरेज आपको मिल जाते हैं, यहाँ भी मिल जा रहा है आपको, यहाँ भी स्टोरेज मिलते हैं। फिर ये देखिए, ये बड़े कंटेनर के लिए यहाँ स्पेस दिया गया है, यहाँ भी आपको स्पेस मिल जाता है। और जो कटलरी वेयर के लिए है उसके लिए यहाँ स्पेस दिया गया है, जो भी स्मॉल यूटेंसिल्स होते हैं अपने घर में वो यहाँ रख सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ भी मिल जाता है जगह, यहाँ मिलता है, ये वाला भी जगह है आपके पास, तो आपको जगह की कमी बिल्कुल नहीं खलने वाली। और अगर आप चाहते हैं इसमें ना, तो उसके लिए यहाँ स्पेस आ जाएगा, या चावल आटा गेहूँ जो भी जो बड़े डब्बे होते हैं उसके लिए यहाँ स्पेस दिया गया है। सिलेंडर भी आपका यहीं पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका चिमनी दी गई है कुकिंग के लिए, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक चिमनी लगाई गई है, नीचे आपका ओवन आ जाएगा, तो यहाँ से पाइप यहाँ ड्रिल हो जाएगी और पाइप यहाँ आ जाएगा, और ये भी आपके स्विच यहाँ दिए गए हैं। चलिए चलते हैं अपने मास्टर बेडरूम में। आइए, ये हमारा मास्टर बेडरूम है, हालांकि यहाँ से हमारी बैल्कनी की एंट्री भी है। अगेन जो टाइल्स लगाई गई है वो वेट्रीफाइड टाइल्स है, और जो इसका डायमेंशन है वो तकरीबन 12x11 का इस जो मास्टर बेडरूम है इसका आपको साइज मिलता है। वॉलपेपर बहुत ही खूबसूरत लुक में यहाँ दी गई है, और इसी के साथ अगर मैं डिज़ाइन दिखाऊँ ऊपर फॉल सीलिंग की, तो बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन, कमाल का डिज़ाइन इसमें दिया गया है।
हालांकि आप बहुत क्लोज से अभी देख रहे हैं और पूरा फॉल सीलिंग भी आप देख पा रहे होंगे इसमें। उसके बाद अगर मैं इस बेडरूम के वेंटिलेशन की बात करूंगा तो यहाँ विंडो दिए गए हैं, ऊपर आपको विंडो एसी का प्रोविज़न मिलता है, सामने आपको जो बैल्कनी है वो मिलता है। बैल्कनी दिखाने से पहले मैं आपको यहाँ जो हमने टीवी पैनल दिए हैं वो दिखाता हूँ। एक बार टीवी पैनल आप दिखाएं, यहाँ पे हमने ये टीवी पैनल दिया है, ये आपके स्विच आ गए हैं और जो केबल की वायरिंग है, अगेन केबल की वायरिंग हो या इन्वर्टर की वायरिंग हो, वो दीवार के अंदर ही करके दी गई है और एसी की वायरिंग जो मैंने आपको दिखाया स्प्लिट एसी का। उसके बाद इसी के साथ हमने यहाँ पे अटैच वॉशरूम दिया और जो टाइल्स इसमें लगाई गई है, जो फ्लोरिंग की गई है, वो टाइल्स हमारा एंटी स्कीड टाइल्स है और अगेन इसमें सारी जो सैनिटरी फिटिंग है वो अभी लगनी है, बिकॉज जब आप फ्लैट लेते हैं उसके एक दिन पहले हम सारी सैनिटरी फिटिंग आपको लगा के देते हैं, चाहे जो भी टैप्स इसमें लगे हैं वो सारी चीज़ें, ताकि उसकी जो साइनिंग है ना वो बरकरार रहे, जब घर में आप आएँ आपको फील हो कि फ्लैट हमने नया लिया है। अगर एक महीने पहले लगा दी जाती है तो उस पर स्टेन आ जाते हैं। आइए बैल्कनी में लेके आता हूँ। बैल्कनी का अगर देखें तो इस तरफ जो साइज है वो 4 फीट का आपको मिलता है, यहाँ पे टैप दिए गए हैं वॉशिंग मशीन के लिए, स्विच भी दिया गया है और अगर मैं इस तरफ दिखाऊँ आपको तो ये आपको स्पेस मिल जाता है और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ ग्रेनाइट लगाई गई है और जो रेलिंग है वो थोड़ी आगे करके फिर इसमें लगाई गई है, ऊपर हमने यहाँ पे लगा दिया है जो लाइट्स हैं वो। और ये जो आप विंडो देख रहे हैं ये आपके किचन का विंडो है और इस तरफ जो आप देख रहे हैं ये आपका एग्जॉस्ट के लिए स्पेस दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल अगर मैं इस फ्लैट की बात करूं, इस फ्लैट की फैसिलिटी की बात करूं, तो ये जो हमारा फ्लैट है इसमें अगर फैसिलिटी की बात करता हूं तो इस हर फ्लोर के साथ एक कार पार्किंग हम लोग दे रहे हैं, लिफ्ट लगी हुई है, सीवर कनेक्शन आपको यहाँ पे ऑलरेडी किया गया है, पानी आपका 2 तरह का मिल जाता है, चाहे वो जल बोर्ड का पानी हो चाहे वो आपका समर्सिबल का पानी हो, दोनों तरह के पानी है। जल बोर्ड का अगर मैं पानी की बात करूँगा तो उसकी एक टाइमिंग है और जो समर्सिबल का पानी है वो आपका 24 घंटे यहाँ पे अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, आप फ्लैट अगर देखने आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप आइए, आपका इंतज़ार रहेगा, हम आपको फ्लैट दिखाएंगे। नीचे कस्टमर केयर का नंबर दिया गया है, हालांकि पहले हमारे पास 2 नंबर्स थे, अब जो आपका कस्टमर केयर का नंबर है वो हमने बढ़ाया है ताकि आप लोग को असुविधा ना हो, तो आप आइए, टाइम दीजिए, हम आपको फ्लैट दिखाएंगे। और जो 3 BHK है वो हमने आपको 33.5 लाख में भी 90 गज का दिखाया था। तो सारी चीज़ें डिपेंड्स करती है, फ्लैट का प्राइस डिपेंड्स करता है इसकी लोकेशन पे, बिकॉज सर आप लोगों को पता ही होगा कि फ्लैट में जो चीज़ें लगती हैं, ईंट पत्थर या सरिया जो भी चीज़, उसका रेट तो एक ही होता है, चाहे वो हम बहुत अच्छे लोकेशन पे बना ले, मेट्रो के एकदम नियर बाई बना ले या उससे 2 किलोमीटर बना ले, उसकी कॉस्टिंग में कोई फर्क नहीं पड़नी, फर्क पड़ता है सिर्फ जो हमारे ज़मीन का रेट है उसका, और उसी हिसाब से जो हमारा फ्लैट का जो प्राइस फाइनल होता है उसी के अकॉर्डिंग होता है। तो सारी चीज़ें डिपेंड्स करती है लोकेशन पे। तो फ्रेंड्स, आपका इंतज़ार रहेगा, जब भी आप देखने आना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, आप आइए, हम आपको अपना फ्लैट दिखाएंगे। और थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ बने रहें, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अपने एक नए फ्लैट में नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। थैंक यू सो मच।